ये घटना उस समय की है जब इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। केवल शून्य था, महाशून्य। और तभी तभी परम शक्ति परमेश्वर की कृपा से नारायण की उत्पत्ति हुई और उसके कई वर्षों के पश्चात नारायण की नाभि से एक कमल का जन्म हुआ। उस कमल से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। तभी ब्रह्मदेव की दृष्टि नारायण पर पड़ी। हजारों वर्ष भटकता रहा था अकेले, स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे को खोजता रहा था। चलिए, कोई तो मिला जो मेरे बाद उत्पन्न हुआ, जिससे मेरा परिचय हुआ। और दोनों में इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, अर्थात कि कौन किससे पहले आया, अर्थात किससे किसकी उत्पत्ति हुई। तभी महादेव अग्नि के समान महातेज लिंग के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय मैं करूंगा। आप में से जो भी इस लिंग के अंतिम छोर या शाश्वत अंत तक पहुंच जाएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। और दोनों उसकी खोज में निकल पाए। ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए और नारायण नीचे की ओर, किंतु दोनों को उस लिंग का छोर दिखाई नहीं दे रहा था। इसका कोई अंत नहीं, यह अनंत ज्ञान की तरह है। केतकी, यही अंत है? नहीं ब्रह्मदेव, मुझे ज्ञात है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही प्रथम हूं। इस अनंत छोर को मुझे खोजने की क्या आवश्यकता है? मैं तो स्वयं अनंत हूं। केतकी, तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। जो आ गया ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, संभवतः आपने इस अग्नि स्तंभ का प्रारंभ पा लिया होगा। केतकी का फूल इसका प्रमाण है। असत्य है ये। असत्य है ये कहना कि मैंने जान लिया है, मैंने अंत पा लिया है। क्या आपने सचमुच प्रारंभ पा लिया है ब्रह्मदेव? सत्य इससे आप जान सकते हैं। ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे नारायण? ये अग्नि स्तंभ तो ज्ञान की भांति है, जिसका ना कोई अंत है और ना ही प्रारंभ। ब्रह्मदेव, आप दोनों का जन्म इसी अग्नि स्तंभ से हुआ है, इसी ऊर्जा से मुझसे हुआ है। सब कुछ जान लेने की धारणा ही तो अहंकार है, और आप में तो निर्माण के ज्ञान का अहंकार है। आप सृष्टिकर्ता तो होंगे, लेकिन आपके इस अहंकार के कारण आप कभी पूजे नहीं जाएंगे। ब्रह्मदेव द्वारा असत्य कहे जाने पर महादेव ने अनंत काल के लिए उनकी पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया।